for the makeup. Good morning, sir. Good morning, everyone. I'm fine, beta. How are you? We are also fine, sir. We are fine, sir. We have to come to school. Yeah, beta. मैंने आपको कल भी instruct किया था और आज भी बता रहा हूँ. You have to come school tomorrow. Okay? Bring your all materials. आपके सारे materials जो है मैथ्स के वो लेकर आना. Worksheet, textbook, notebook. अगर आपके पास IBL book है तो वो भी लेकर आना. Okay? चलो. So last lecture के अंदर हमने क्या किया था? 10.4 में additions complete कर लिए थे, right? The subtraction हमारे remaining थे. तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे सब्ट्रैक्शन. ओके चलो 10.4 सर वेट Focus here, everyone. And who is this? Yourself. चलो. तो यहाँ पर हमारे पास subtraction का first sum है 12 meters, 10 centimeters from 18 meters and 9 centimeters. सबसे पहले तो आपको समझने की जो चीज है वो है फ्रॉम. फ्रॉम का मतलब ये होता है कि इस नंबर को हमें इस नंबर में से सब्ट्रैक्ट करना है. हिस्ट्री बेटा आपको समझ में नहीं आता, मैंने म्यूट रखने के लिए बोला है. चलो तो सबसे पहले फ्रॉम का मतलब ये होता है कि इस नंबर को हमें इस नंबर में से सब्ट्रैक्ट करना है. अदरवाइज आप सोचो कि ऑलवेज ग्रेटर नंबर में से ही स्मॉलर नंबर जो है वो सब्ट्रैक्ट होता है. ऑलवेज ग्रेटर नंबर में से ही स्मॉलर नंबर जो है वो सब्ट्रैक्ट होता है. तो सबसे पहले हम लोग दो पार्टीशन करेंगे, मीटर एंड सेंटीमीटर. हमारे दो पार्टीशन होंगे मीटर एंड सेंटीमीटर. तो मीटर और सेंटीमीटर के अंदर हम सेंटीमीटर को रखेंगे. बट सर योर वॉइस इज क्रैकिंग है, उसे अलग अलग आप नहीं लिख सकते. पेज जो है वो साथ में ही होती है, जैसे कि 12 सेंटीमीटर. अगर आप लिख रहे हो तो वो साथ में ही लिख रहे, एक को यहाँ पर और एक को नहीं लिख सकते. तो साथ में सबसे पहले 18 मीटर एंड 9 सेंटीमीटर. देन आफ्टर हमारा यह है
गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग बेटा। चलो देर इज सम नेटवर्क इश्यू दैट्स व्हाई थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। ओके चलो सो नाउ लेट्स बैक टू द सम 18 मीटर एंड 9 सेंटीमीटर बिकॉज इन दोनों पैर में से ये पैर हमारी बड़ी है। आपको मीटर वाले पार्ट को देखना है कि वो ग्रेटर है या नहीं। आप सेंटीमीटर वाले पार्ट को देखोगे और बोलोगे सर यहाँ पर ये बड़ा है और ये छोटा है तो वो नहीं करना है बिकॉज यहाँ पर 10 इज ग्रेटर एंड 9 इज स्मॉलर। तो आपको पहले मीटर वाले पार्ट को देखना है, जो मीटर वाला पार्ट बड़ा होगा वही यहाँ पर ग्रेटर होगा। ओके तो यहाँ पर हमारा जो दूसरा पार्ट है वो है 12 मीटर एंड 10 सेंटीमीटर। ओके चलो और हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें करना है सब्ट्रैक्शन। तो मतलब सब्ट्रैक्शन की यहाँ पर साइन, बस हमारा जो मेन वो है वो हमारा यही है, हमारा जो अरेंजमेंट है नंबरों का वही हमारा मेन है। जब भी हमारा अरेंजमेंट प्रॉपरली हो जाएगा तो हमारा सब्ट्रैक्शन आराम से हो जाएगा। बिकॉज अरेंजमेंट प्रॉपरली नहीं होगा तो आपका सम रॉन्ग होगा, बिकॉज सब्ट्रैक्शन भी आपका रॉन्ग ही मिलेगा। ओके सो नाउ डू द सब्ट्रैक्शन। 9 माइनस 0 दैट इज अ 9 ओनली। 0 माइनस 1 देखो 1 नहीं होता, 0 माइनस 1 है, 1 माइनस 0 नहीं है। तो क्या करेंगे, नंबर को बोरो करेंगे कहां से, नेबर से। आप बोलोगे सर ये तो अलग है। नो ये दोनों सम जो है वो एक ही सम है बट उसके पार्टीशन किए गए हैं, सम हमारा एक ही है। तो ये और ये दोनों सम एक ही है कंटिन्यू। तो यहां से बोरो करेंगे इट 7 एंड गिव इट टू 1 हियर। सो नाउ 0 विल बी द 10। नाउ 10 माइनस 1 प्लीज बेटा अपने आप को म्यूट कर दो वरना मुझे यहाँ से म्यूट करना पड़ेगा। सर आई हैव डाउट। तो बोलो सर हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो वो उसमें वो मीटर और किलोमीटर होता है तो किलोमीटर पहले आएगा ना। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। 10 माइनस 1 देयर इज अगेन 9। 7 माइनस 2 देयर इज अ 5 एंड 1 माइनस 1 देयर इज अ 0। विकास बेटा आपका क्वेश्चन हो गया? यस सर माय डन। तो अभी अपने आपको म्यूट कर दो कि मुझे बोलना पड़ेगा। सर मैं तो म्यूट ही हूँ। तो कौन और अनम्यूट है? चलो म्यूट करो सब लोग अपने आपको। चलो तो हमारा फाइनल आंसर जो यहाँ पर है 5 मीटर एंड 99 सेंटीमीटर, ये है हमारा फाइनल आंसर। राइट डाउन इन योर नोटबुक। चलो क्लियर नो डाउट बेटा। पेज नंबर है 157, पेज नंबर है आपका 157।
श्योर डन। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 3 बी आपको होमवर्क में करना है। क्वेश्चन नंबर 3 50 मीटर 40 सेंटीमीटर फ्रॉम चलो यहां पर हमारा खुद इस तरह से क्वेश्चन है। तो फ्रॉम का मतलब आप सभी को पता चल गया होगा कि फ्रॉम का मतलब होता है इस नंबर में से इस नंबर को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। ओके गलती से पहले इसे मत लिखना वरना हमारा जो आंसर है वो रॉन्ग हो जाएगा। तो पहले तो दो पार्टीशन करेंगे मीटर एंड सेंटीमीटर। ओके हमारे दो पार्टीशन मीटर एंड सेंटीमीटर। सबसे पहले हमारे पास 75 मीटर एंड 90 सेंटीमीटर दोनों पेयर है तो वो दोनों साथ में ही रहेगी। 75 मीटर एंड 90 सेंटीमीटर मीटर एंड 40 मीटर तो होता है सब्ट्रैक्शन टाइम। यहाँ पर हमारी से हमारा मेन सब्ट्रैक्शन जो बहुत ही इजी होता है जो हमारा नॉर्मल सब्ट्रैक्शन होता है वैसे ही होता है राइट। तो सबसे पहले 0 माइनस 0 दैट इज अ 0 9 माइनस 4 That is a 5 minus 0, that is a 5, and 7 minus 5, that is a 2. So, what is the final answer? The final answer is 25 meters and 50 centimeters. After the final answer, we have 25 meters. And 50 centimeter. Write down in your notebook. इसी तरह ये डन सर। नो सर मेरा ए बी सी और डी भी हो गया। ABCD हो
चलो हो गया सभी का ये यस नो सर नो सर ओके ओके नो प्रॉब्लम चलो लिखो सर डॉ ओके चलो वेरी गुड नंबर दिए गए हैं दो पार्टीशन करेंगे एक तरफ होगा केजी और एक तरफ होगा ग्राम जो हमारा पार्टीशन के अंदर ग्रेटर यूनिट होता है वो पहले होता है ऑलवेज वैसे ऑलवेज पहले ही लिखा होगा यहाँ पर भी पर तो पहले क्या आएगा प्लीज वीडियो डाल एंड 140 kg 12 kg एंड 140 kg यहाँ पर अंदर यहाँ पर नहीं आएगा बिकॉज ये वंस पोजीशन पे है तो वंस पोजीशन के नीचे ही आएगा एंड 710 अरेंजमेंट अगेन आई रिपीट 12 kg एंड 12 kg and 10 grams.
तो हम क्या करें? हाँ ओके, तो यहाँ पर हम लोग 1-7 जो है वो नहीं कर सकते, तो वी हैव टू बोरो फ्रॉम द नेबर, नेबर Now 11-7, so there is a 4. After one my 11-8 is equal to 3. बेटा अपने माइक प्लीज ऑफ रखा करो, बिकॉज दूसरों को डिस्टर्बेंस ना हो। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है, फाइनल आंसर 3 kg and 430 g, ये है हमारा फाइनल आंसर। राइट डाउन एवरीवन, क्वेश्चन नंबर ई। Sir, my work is done. Chalo, very good. Batao jo hai. Sir, your voice is also breaking. चलो क्वेश्चन नंबर जी। नेटवर्क इश्यू की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो कभी मैं अगर पॉज हो जाऊं, स्लोक हो जाऊं, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स, अदरवाइज अपना माइक ऑन करके बता देना। ओके, वंस अगेन आई रिपीट, नेटवर्क इश्यू की वजह से कभी मैं स्लोक हो जाऊं या पॉज हो जाऊं या मेरी वॉइस आप तक ना हो आए, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स या फिर मुझे माइक ऑन करके बता देना। चलो संधि करते हमको, यहाँ है 400 ml, तो ये आएगा, ये आएगा, तो पार्टीशन लेंगे हम लोग,
देखो लीडर हो कुछ भी हो, वो करके तो यूनिट होता है। या आई नो कि थोड़ा नेटवर्क इश्यू है इसलिए बार बार स्टॉप हो रहा है। ओके दिया है what we have to do, we have to do the photo of this so name jo hai wo number dikhta hai humne one number hai. So now 2 will be the 12. Now 12 minus 4 again that is minus 5 that is the Yes, sir, your voice is cracking. But, sir, it's not anything, see? Sir, your voice is not coming. But sir, it's not in the meeting. Hello, sir. So, are done the question? Ho gaya? ऐसे लिखा है थ्री की जगह ये सर हो गया क्या हुआ बेटा सर आपने जो लीटर लिखा है उसमें थ्री नहीं आता आपने तो एक लिखा है यहाँ पर अच्छा हाँ यहाँ पर आंसर में सॉरी 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 थ्री लीटर चलो सॉरी चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 8
चलो तो यहाँ पर भी हमारा फ्रॉम लिखा हुआ है, दैट मीन्स यहाँ पर हमारा जो नंबर है इसमें से इस नंबर को हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है। कई बार सब्ट्रैक्शन के ऐसे सम भी आएंगे जहाँ पर फ्रॉम नहीं लिखा होगा। अगर फ्रॉम नहीं लिखा है तो क्या करना है, जो पहले दिया है उसी को पहले लिखना है। बट अपना लॉजिकल माइंड यूज करना कि जो पहले नंबर दिया हुआ है वो ग्रेटर है या नहीं है। जो नंबर पहले दिया है वो ग्रेटर है या नहीं है वो भी देखना है आपको। ऑलवेज ग्रेटर नंबर ही पहले आएगा। ओके चलो दो पार्टीशन करेंगे, लीटर एंड मिली लीटर। ओके चलो सबसे पहले हमें क्या करना है, ग्रेटर नंबर को लिखना है। तो 12 लीटर, लीटर के सेक्शन के अंदर 12 एंड 920 हमारे ml वाले सेक्शन के अंदर। देन आफ्टर 7, दैट मीन्स 7 यहाँ पर आएगा, यहाँ पर नहीं आएगा, बिकॉज वंस पोजिशन के नीचे वंस पोजिशन एंड 840 यहाँ पर। ओके आप चाहो तो यहाँ पर 0 रख सकते हो, बिकॉज आपको उससे पता चलेगा कि यहाँ पर आपको सब्ट्रैक्शन 0 के साथ करना है। नहीं लिखोगे और डायरेक्टली पता है तो इट्स वेरी गुड। चलो नाउ लेट्स डू द सब्ट्रैक्शन, 0 माइनस 0 दैट इज 0, 2 माइनस 4 इट्स नॉट पॉसिबल सो वी हैव टू बोरो फ्रॉम द नेबर, सो 9 विल बी द 8 एंड देयर इज अ 12। Now 12 minus 4 is equal to 8. 8 minus 8, 0. After that 2 minus 7. We cannot subtract again. So we have to borrow from the neighbor. So 1 will be the 0 and give it to 1, 2. Now 12 minus 7. So 12 minus 7 is equal to 5. So 5 yahan par hoga hamara. हाँ बेटा बोलो। हेलो सर, आंसर रहेगा 5 लीटर और 80 ml। 5 लीटर एंड 80 ml, सो द आंसर इज 5 लीटर एंड 80 ml। Write down your answers, everyone. Done. Okay, very good. Chalo, now hamara lecture yahan par khatam ho raha hai. We will see you in the next lecture. Okay? Bye. किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लो मुझे यहाँ पर। एंड वन मोर थिंग अगेन, आपको वेनसडे मतलब कल स्कूल आना है, आप सभी को कल स्कूल आना है। फोर्थ स्टैंडर्ड के लिए कल हमारा टर्न है, तो आप सभी को कल स्कूल आना है। एनी क्वेश्चन अबाउट दिस? ओके और सर तो नाम, हाँ बोलो। मुझे तो घर में स्पाइकिंग पर ही आना जाना है ना। वो बेटा आपको पेरेंट्स को पता होगा, मुझे नहीं पता। ओके आस्क टू योर पेरेंट्स। चलो एनीवन हैव अनदर इश्यूज, एनी प्रॉब्लम?
कुछ ना समझ में आया हो, कुछ पूछना हो। नो सर, नो डाउट। चलो गुड, सो नाउ यू कैन लीव द क्लास। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।